चित्रा चित्रा चित्रा। दोस्तों, चित्रा त्रिपाठी जब से लंदन गई है तब से खुद को वरिष्ठ पत्रकार कहलाने के लिए हर वो काम कर रही है, हर वो खबरें ढूंढ ढूंढ कर ला रही है जिससे कहा जाए कि हाँ, चित्रा त्रिपाठी जो है वो बहुत बड़ी पत्रकार है। इसीलिए तो जहाँ पर लोग मिलते हैं और चित्रा त्रिपाठी के बारे में कुछ कहते हैं, तुरंत चित्रा त्रिपाठी रिकॉर्ड कर लेती है फ़ोन में और रिकॉर्ड करके ट्वीट कर देती कि देखिए मुझे लोगों ने क्या कहा, लोगों ने मुझे ये कहा, लोगों ने मुझे इतना बड़ा उपाधि दे दिया, लोग मुझे ढूंढ कर चॉकलेट देने आए। इस तरीके से तमाम ट्वीट्स तो देखे, लेकिन हद तब हो गई जब चित्रा त्रिपाठी ने कहा लंदन के पार्लियामेंट में, जी हाँ, इंग्लैंड पहुँच कर कह रही हैं कि वहाँ के पार्लियामेंट में चित्रा त्रिपाठी को बोलने का अवसर प्रदान हुआ। वहां पर लोगों ने उन्हें सुना और उनको बोलने दिया गया, लेकिन जिस पार्लियामेंट की वो बात कर रही थी, वो भारत में कुछ पत्रकारों ने उसको लेकर सवाल खड़ा कर दिया और कहा कि चित्रा त्रिपाठी जो कह रही है वो झूठ कह रही है। दरअसल वो लंदन का पार्लियामेंट नहीं बल्कि पार्लियामेंट के हिस्से का कोई जगह है, कैंटीन, और उस जगह पर चित्रा त्रिपाठी जो है मौजूद होकर कुछ कुछ बोल रही हैं जो कि लोग सुन नहीं रहे। आपने डोनेशन पर भी वो खबर देखी होगी, मैंने की थी वो खबर कि कैसे चित्रा त्रिपाठी को लेकर सोशल मीडिया पर चारों तरफ से ट्रोल किया गया था और उनके झूठ को पकड़ लिया गया था। हालांकि कई वेबसाइट ने चित्रा त्रिपाठी के इस झूठ को पकड़ा और फैक्ट चेक करके कहा कि वो जो है भ्रामक खबरें और भ्रामक तस्वीरें झूठ फैलाती हुई नजर आ रही हैं। फिर क्या था, चित्रा त्रिपाठी को लगा कि उनकी ज़्यादा पोपट हो रही है, ज़्यादा बेइज्जती हो रही है। फिर उसने एक ट्वीट किया और बताने लगी, सफाई देने लगी कि भाई वो जो जहाँ पे वो बात कर रही थी वो पार्लियामेंट ही था। लेकिन पत्रकारों ने फिर उनसे ऐसा सवाल पूछा, वो सब मैं आपको अभी धीरे धीरे बताऊंगी, लेकिन मोटा मोटी तौर पर आप पहले सुन लीजिए कि क्या कुछ हुआ और कैसे चित्रा त्रिपाठी ने अपने आप को बचाने की कोशिश की और सफाई पेश की। लेकिन पत्रकार जो यहाँ भारत में बैठे हैं वो चित्रा त्रिपाठी की जो चीज़ें थी उसको पकड़ लिया और जब उनसे सवाल पूछा तो चित्रा त्रिपाठी ऐसे भागी कि मत ही पूछिए, पत्रकार को ही ब्लॉक कर दिया। जी हाँ दोस्तों, चित्रा त्रिपाठी से जब सवाल पूछ लिया गया, जब उनसे दुखती रग पर हाथ उनके रख दिया गया, तो फिर क्या था, चित्रा त्रिपाठी घबरा गई और घबराते हुए पत्रकार महोदय को ब्लॉक कर दिया। दोस्तों, आपको बताते हैं कि चित्रा त्रिपाठी कैसे अपनी ही बातों को लेकर घिरी। सबसे पहले आपको वो ट्वीट याद दिला दें कि कैसे चित्रा त्रिपाठी ने एक ट्वीट किया था और कहा था कि उन्हें लंदन की यूके की पार्लियामेंट में आज़ाद हिंदुस्तान के 75 साल पूरा होने के मौके पर बोलने का मौका मिला। तब मैंने इन्हें ये बताया कि आप इतने रोशन इसलिए हैं क्योंकि हमारे कई कोहिनूर आपके पास हैं। अब आप आए थे तब भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के उत्पाद में 24.5% थी। डेढ़ सदी बाद अब हम 1.7% थे। और फिर खूब मुगलों की तारीफ भी करते हुए चित्रा त्रिपाठी का जो ट्रोलिंग का मामला था वो सामने आया। इस तरीके से चित्रा त्रिपाठी एक जगह पर एक डैश पर खड़ी होकर बोल रही थी, हालांकि वहां पर आसपास के लोगों का ध्यान जो है वो बिल्कुल भी नहीं था। एक दो लोग सुन रहे थे, बाकी तो सुनते हुए नज़र नहीं आ रहे। अगर इस वीडियो के अंदर से देखेंगे तो कुछ ऐसे से नज़र आता है। अब आपको बताते हैं कि चित्रा त्रिपाठी के कानों तलक जैसे ही ये खबर पहुंची कि भाई इंडिया में तो उनकी पोपट हो गई, जो वो यूके का पार्लियामेंट बता रही थी, और यहाँ पर फैक्ट चेकर और तमाम पत्रकारों ने उनसे पूछ लिया कि ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट तो ऐसा दिखता है। कई तस्वीरें भी उस वक्त रिलीज हुई थी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यूके का पार्लियामेंट किस तरीके का, और चित्रा त्रिपाठी जहाँ पर खड़ी होकर जो भाषण दे रही हैं, भाषणबाजी कर रही हैं, वो किस तरीके का है। तो इस तरीके से चित्रा त्रिपाठी जो है ट्रोलिंग का शिकार हो गई। फिर चित्रा त्रिपाठी आज जागी, देखी कि बहुत ज़्यादा पोपट हो रहा है, उनका झूठ लोगों तक सामने आ रहा है। फिर चित्रा त्रिपाठी ने ट्वीट किया और कहा कि मैंने वहाँ 7 मिनट की स्पीच दी थी, देश दुनिया के 200 से ज़्यादा लोग थे, यूके के सांसद भी बैठे थे, कई बड़े बिजनेसमैन भी थे। अपनी स्पीच में मैंने कई बार यूके पार्लियामेंट का जिक्र भी किया है, मगर यहाँ कुछ लोगों की रोजी रोटी इसी से चल रही है कि अच्छा काम करने वाले पत्रकार को बदनाम कैसे करें। ये अच्छा पत्रकार हैं और इनको बदनाम करने के लिए लोग जो है साजिशें कर रहे हैं, ऐसा चित्रा त्रिपाठी का कहना है। जी हाँ, चित्रा त्रिपाठी इतनी बड़ी पत्रकार और इतना अच्छा काम कर रही हैं कि लोग उनको बदनाम करना चाहते हैं। तो फिर चित्रा त्रिपाठी के इसी ट्वीट पर कुछ लोगों ने रीट्वीट किया और इनसे सवाल पूछा, और सवाल ये पूछा दोस्तों, सदाब चौहान नाम के एक यूज़र हैं, वेरीफाइड अकाउंट है, और अगर आप देखेंगे तो ये खुद को जो है
पीस पार्टी के स्पोक पर्सन बताते हैं। और ये ट्वीट करते हुए चित्रा त्रिपाठी के इस बात पर रिएक्ट करते हुए लिखते हैं कि चलिए अच्छा है, आपने अपने आप को पत्रकार माना, लेकिन अगर माना तो बड़े सम्मान से एक बात कहूँगा, ये तय कीजिए कि आने वाले 10 दिन तक देश की शिक्षा व्यवस्था, महिला सुरक्षा, सामाजिक न्याय पर डाटा के साथ लगातार कार्यक्रम आप कब करके दिखाएंगे। इस तरीके से जो है इन्होंने सवाल पूछा। अब आगे बढ़ते हैं, फिर चित्रा त्रिपाठी जो है फिर उनसे रहा नहीं गया कि कैसे फैक्ट चेकर जो है उनकी चीज़ों को बोल रहे हैं भ्रामक खबरें हैं, भ्रामक तस्वीरें हैं और झूठी खबरें फैला रही हैं। चित्रा त्रिपाठी फिर से ट्वीट करते हुए लिखती हैं कि जैसे बंदर अदरक का स्वाद नहीं जान सकता, वैसे ही बैल बुद्धि लोगों को आप नहीं समझा सकते। जब से यूके पार्लियामेंट की स्पीच मैंने शेयर की है, तभी से कुछ लोगों के पेट में दर्द है। ऐसे बैल बुद्धि को ईश्वर थोड़ी सद्बुद्धि दे। मेरा इन्विटेशन, जिसके बाद स्पेशल परमिशन लेकर मैं वहाँ गई थी। चित्रा त्रिपाठी ने सफाई देते हुए एक इन्विटेशन कार्ड जो है आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं वो पेश किया। और जो पेश किया दोस्तों, उसमें लिखा हुआ है डे 3 23 सितंबर 2022 3 PM to 10 PM, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। और फिर नीचे अगर आएंगे तो इसी पास में जो इन्होंने कहा है कि मेरा पास है, मैंने यहाँ पर अपने आप को जो है यहाँ पे स्पीच दिया है। आगे इसी पास में लिखा हुआ है डिस्कशन इन यूके पार्लियामेंट ऑन आत्मनिर्भर भारत, 5 पिलर, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, ड्राइवन सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड, और फॉलोड बाई फैकल्टेशन टू हाई टी 3 PM to 5 PM, गाला डिनर इन यूके पार्लियामेंट 6:30 PM to 10 PM। इस तरीके का ये पास है। लेकिन चित्रा त्रिपाठी को नहीं पता था कि इनसे भी बड़े बड़े जो लोग हैं वो किस हद तक इनसे आगे हैं, और ये जो झूठ बोल रही हैं ये किस तरीके से लोगों द्वारा जो है पकड़ लिया गया है। वसीम अकरम त्यागी है, ये वही पत्रकार है जो चित्रा त्रिपाठी के झूठ का पर्दाफाश किया था। वो इसी खबर को ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि मैडम चित्रम ने डींग हाँक रही थी कि उन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान के 75 साल पूरे होने के मौके पर इंग्लैंड की संसद में भाषण दिया। ड्राफ्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इसका फैक्ट चेक किया और पाया कि मोहतरमा जिस इंग्लैंड को संसद बता रही थी वो संसद है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये खबर भी आप देखिए। लेकिन जब चित्रा त्रिपाठी ने पास ट्वीट किया उसके बाद वो इतनी बुरी फंसी दोस्तों कि उनको जो पत्रकार सवाल पूछ रहे थे वसीम अकरम त्यागी, उनको ब्लॉक करना पड़ा। अब देखिए किस तरीके से वसीम अकरम त्यागी ने उस पास पर रिएक्ट किया और बोला कि अब भी बेशर्मी से झूठ बोल रही हो, इस पूरे इनविटेशन में चित्रम का नाम है। अगर आप इनविटेशन देखेंगे जो चित्रा त्रिपाठी ने ही शेयर किया है, अगर उनकी ही बातों को अगर आप सच मानेंगे तो इस इनविटेशन को पूरा देखेंगे तो कहीं से कहीं तक चित्रा त्रिपाठी का नाम नहीं लिखा है दोस्तों। और पार्लियामेंट में अगर किसी का स्पीच होता है तो उनका नाम कोड होता है कि आपको बोलने के लिए इन्वाइट किया गया है। लेकिन चित्रा त्रिपाठी जो फोटो शेयर कर रही थी उनमें चित्रा का नाम कहीं से कहीं तक नहीं था। और इसी को लेकर वसीम अकरम त्यागी ने ट्वीट किया कि आपके इनविटेशन में कहीं आपका नाम है? हाई टी को पार्लियामेंट संबोधन बताकर झूठ बोलते हुए कंचित शर्म नहीं आती? बड़ी आई पार्लियामेंट को संबोधित करने वाली, ये मुंह और मसूर की दाल। अच्छा बताओ, ये हाउस ऑफ कॉमन्स है या हाउस ऑफ लॉर्ड्स, बताना ज़रूर। फिर क्या था, चित्रा त्रिपाठी को ये बात तो समझ में आई नहीं थी। जिस डैश से, जिस रॉड से चित्रा त्रिपाठी ने ट्वीट किया, अब वो मोहतरमा अपने ही ट्वीट में फंस गई। और फिर क्या था, चित्रा त्रिपाठी ने वसीम अकरम को ब्लॉक कर दिया और वसीम अकरम ने इसको लेकर पूरी जानकारी साझा की और ट्वीट करते हुए लिखा कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट वाली मोहतरमा चित्रम तो ब्लॉक कर गई, अब आप ही पूछ लीजिए मैडम जिस संसद भवन में भाषण दे रही थी वो हाउस ऑफ कॉमन्स है या हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अब आप देखिए दोस्तों किस तरीके से चित्रा त्रिपाठी का जो झूठ था वो लोगों के सामने आ गया और चित्रा त्रिपाठी कैसे भाग गई अपने झूठ को लेकर। हालांकि चित्रा त्रिपाठी जो है अपने आप को महान बनाने के लिए किस कदर आगे रहती हैं ये आपने हर पल देखा होगा, चाहे वो इंग्लैंड हो या भारत हो, हर जगह वो अपनी तारीफों के पुल बनवाने के लिए 2-4 लोगों की तारीफ को रिकॉर्ड कर लेती हैं और फिर सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करती हैं। अच्छी बात है, उनको भी बड़े पत्रकारों की लिस्ट में शामिल होने का मौका मिलना चाहिए।
अंजना, श्वेता, सुधीर चौधरी जैसे पत्रकारों के बीच में जब तक आप हाथ पैर नहीं मारेंगे तो आपकी बड़ी पत्रकारिता कहाँ से नजर आएगी। तो इसी तरीके से चित्रा त्रिपाठी बड़ा वाला फेंकते हुए जो है इंग्लैंड में नजर आई, लेकिन उनका बड़ा वाला फेंकना जो था यहाँ पर इंडिया के पत्रकारों ने, इंडिया के लोगों ने कैच कर लिया। और फिर क्या था, चित्रा त्रिपाठी की ऐसी बेइज्जती, ऐसी फजीहत हुई कि चित्रा त्रिपाठी को खुद ही ब्लॉक करके भागना पड़ा कि अब इससे ज़्यादा वो जो है जवाब नहीं दे पाएगी, क्योंकि पत्रकारों को अगर सवाल पूछ लो तो वो जवाब देने से घबराते हैं, और सवाल जब पूछने की वक्त आती है, बारी आती है, तो सवाल पूछते नहीं हैं। आपको याद होगा किसान आंदोलन में भी कुछ ऐसी तरीके से जब लोगों ने घेर लिया था चित्रा त्रिपाठी की रिपोर्टिंग को, बड़ी पत्रकारिता करने मुजफ्फरनगर पहुंची थी, तो वो किसानों का जब महापंचायत था तब बड़ी वाली चित्रा त्रिपाठी को वहाँ के लोगों ने घेर लिया, तो फिर पुलिस प्रशासन को बुलाकर चित्रा त्रिपाठी जैसे तैसे भाग निकली। और इसी तरीके से चित्रा त्रिपाठी की कई बार फजीहत हुई, चाहे वो बिहार का जो बाढ़ वाला कवरेज करने गई हो, या फिर किसान आंदोलन करने गई हो, या फिर कोई भी जगह गई हो, वहाँ पर जनता उन्हें ज़रूर आईना दिखाती हुई नजर आती है। और यही वजह है कि चित्रा त्रिपाठी को जो है मीडिया इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए इस तरीके का झूठ बोलना पड़ा, और झूठ किस तरीके से उनके ही गले का फांद बन गया, ये सब आपके सामने है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ द नेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, हमारे आज़ाद पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स के बटन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। धन्यवाद।